दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से एक महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों 10 से 11 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक नो टाइम जारी कर दिया गया है। इस नो टाइम की रेंज 2200 किलोमीटर होने वाली है। नो टाइम का मतलब ये होता है कि अब इस इलाके में 10 से 11 नवंबर के बीच कोई भी कॉमर्शियल प्लेन या फिर फाइटर जेट नहीं उड़ेगा। यहाँ पर डीआरडीओ अपनी K5 SLBM मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। ये मिसाइल इसलिए ज्यादा खास होगी क्योंकि इस मिसाइल की रेंज अग्नि 5 से भी ज्यादा होगी। K5 की रेंज 6000 किलोमीटर होगी। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल यह आ सकता है कि नो टाइम तो 2200 किलोमीटर का जारी किया गया है, तो भारत 6000 किलोमीटर की रेंज का परीक्षण कैसे कर सकता है? तो दोस्तों जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, उस मिसाइल के पहले परीक्षण में उस मिसाइल की बहुत ही ज्यादा कम रेंज रखी जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मिसाइल के इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। चाइना इस मिसाइल से इतना ज्यादा डरता है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इस मिसाइल का अनाउंसमेंट किया गया था तो चाइना ने बोला था कि भारत इतनी रेंज की मिसाइल बना